समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की खास खबरें। हनुमानगढ़ के पल्लू थाना क्षेत्र में आज एक ट्रैक्टर पलट गया। इसके नीचे दबने से तीन महिलाओं की मौत हो गई तथा एक बालिका सहित तीन जने घायल हो गए। घटना में घायल और मृतक सभी एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के लेगा वाले धानी निवासी द्रौपदी देवी पत्नी भंवरलाल, मंजू देवी पत्नी विनोद कुमार और मेसर देवी पत्नी मांगीलाल जाट की मौत हो गई। यह सभी ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत जा रही थी। सुबह करीब 8 बजे इनका ट्रैक्टर कालासर माइनर पर पहुंचा तो माइनर के मोड़ पर अचानक ट्रैक्टर पलट गया और यह ट्रैक्टर नहर में गिर गया। मौके पर पहुंचे एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि इस हादसे में घायल एक बालिका तथा दो युवकों के मामले से चोटें लगी थी। गंभीर रूप से घायल हुई द्रौपदी देवी और मेसर देवी को रावतसर के ट्रोमा में रेफर कर दिया है। वहाँ इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। देशरो कस्बे के नजदीक जीएसएस के नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार में सवार दो युवकों की मौत हो गई तथा इनके चार साथी घायल हो गए। मृतक और घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि ट्रक कार को काफी दूर तक घसीटता हुआ साथ ले गया। विशाल जोशी और राजेंद्र पाल नामक युवक की मौत हो गई। घायल राजकुमार शर्मा सहित चार जनों को पीबीएम में रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि यह सभी मांडिया गांव नोखा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि यह सभी रात्रि को किसी शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे। नगर परिषद में नया बोर्ड के गठन हुए 3 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है। नए बोर्ड में युवा चेहरों को जगह मिली है। माना जा रहा था कि युवा शक्ति शहर को विकास के पथ पर ले जाने में कायम हो पाएंगे, लेकिन 3 माह में एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां बेसहारा गोवंश, आवारा कुत्ते, अनियमित सफाई की शिकायत नहीं हो, सड़कों और नालियों की हालत बेहतर हो। नए पार्षद भी कुछ धन नहीं कर पाए। आज ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसका पार्षद यह कह सके कि उसके वार्ड में समुचित व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हो। शहर की व्यवस्था का पूर्णतया बाजा बजा हुआ है। चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में सोमवार रात 10 साल की बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने और जान से मारने का आरोपी अकरम गाजी पुलिस कस्टडी से कल फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कस्टडी से आरोपी के फरार होने पर 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामले में पुलिस थाने के एचएम गिरधारी लाल और मुख्य द्वार पर तैनात संतरी बलवीर को सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी वीआईपी सिंबल लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर किसी वाहन पर वीआईपी पहचान दिखी नजर आती है तो उसका चलान होगा। इस संदर्भ में हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय ने एक सर्कुलर हरियाणा के सभी सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के मुखिया, सभी रेंज आयुक्तों, सभी बोर्डों, निगमों के चेयरमैन, एमडी, जिला उपायुक्तों, एमडीएम को जारी कर दिया है। राजस्थान के साथ लगते हरियाणा व पंजाब दोनों में वीआईपी सिंबल लगे वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जबकि राजस्थान में ये आदेश धूल फांक रहे हैं। शादुल शहर में एक प्राइवेट आईटीआई कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। पीड़िता के बयान दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ने के लिए प्रयास किए हैं। डीएसपी ग्रामीण ताराराम ने बताया कि शादुल शहर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक लड़की शादुल शहर में एक निजी आईटीआई कॉलेज में पढ़ती है। इस लड़की ने सुखविंदर सिंह व 2 अन्य युवकों पर दुष्कर्म करने तथा उसकी अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। सुखविंदर सिंह को कॉलेज का बताया जा रहा है। तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है। इसमें एक आरोपी पीड़िता का गांव का ही बताया जा रहा है। श्री विजयनगर कस्बे के आरपीटीसी कॉलोनी में एक अध्यापिका के मकान में अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी का प्रयास किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने बताया है कि आरपीटीसी कॉलोनी में रविंद्र कौर नामक अध्यापिका किराए के मकान में रहती है। पुलिस ने बताया कि अध्यापिका अपने कल शाम घर पहुंची तो अज्ञात व्यक्ति उसके मकान का ताला तोड़ रहा था। उसने उसे देखकर वह फरार हो गया। चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने की कार्यवाही चल रही है। राज्य में सर्दी का दौर जारी है। इसी बीच तापमान में लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार के तापमान की बात की जाए तो कई जिलों के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी देखने को मिली तो कुछ के तापमान में कमी देखी गई। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान की बात की जाए तो मंगलवार को सबसे कम तापमान
श्री गंगानगर में 16.9 डिग्री दर्ज किया गया। गत दिन पूरे बादलवाही का दौर चलता रहा और ठंडी हवाओं ने ठंड का एहसास करवाया। रात्रि में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में 9 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, तो एक बार फिर 9 फरवरी के बाद प्रदेश में तेज सर्दी का दौर देखा जा सकता है। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि गुरमीत राम रहीम की जान को बब्बर खालसा जैसे संगठनों से खतरा है, इसी कारण साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है। उसे जेल में अन्य कैदियों व बंदियों से अलग रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुरक्षित सुनारिया जेल में रखने का कारण उसकी जान को खतरा है। गुरमीत को आतंकी संगठन बब्बर खालसा व अन्य संगठनों से गंभीर खतरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय व भारत सरकार की अनुमति के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। पिछले दिनों गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में भाग लेकर लौटी एनसीसी कैडेट कोमल का आज जोशीला स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज का एक कैडेट बीएम रैली में भाग लेकर आया है। मिली जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ पर किया गया। इस राष्ट्रीय परेड में एनसीसी कैडेट्स ने भी भाग लिया था, जिसकी सलामी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी थी। राज्य की आपात सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 108 एम्बुलेंस का लाभ आज सड़क पर घायल होने वाले लोगों को नहीं मिल पाएगा। 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में 108 एम्बुलेंस ने पिछले एक दशक के दौरान अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल, प्रसूता और अन्य रोगियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने में 108 की महत्ता को कोई भी व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हर माह दर्जनों लोगों का भी जीवन इस एम्बुलेंस के माध्यम से बचाया जाता है। जिला कलेक्टर के राजकीय कार्य से जयपुर प्रवास पर होने के कारण जिले की कमान एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी के पास थी। आज उन्होंने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर कर्मचारियों का परिचय लिया, उनको ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया। मिली जानकारी के अनुसार एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी पूर्व में श्रीगंगानगर में एडीएम सिटी भी रह चुके हैं। उस समय उन्होंने अचानक ही हथियार विक्रेता दुकानदारों की जांच का सिलसिला आरंभ कर हड़कंप मचा दिया था। अपने स्वभाव के कारण वे कर्मचारियों में खासी चर्चित रहते हैं। एक व्यक्ति ने 2 जनों के खिलाफ उसके पुत्र का अपहरण करने और फिरौती के रूप में 15 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पल्लू थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि उदासर गांव निवासी कृष्णलाल जाट ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसका पुत्र सुभाष 29 जनवरी को दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। वह रुपए लेने के लिए पल्लू जाने का कहकर घर से गया था, उसके बाद उसका पता नहीं चला। आरोप है कि उसी दिन से उसके मोबाइल फोन पर अज्ञात व्यक्ति फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। साधुवाला सैनिक छावनी में सेना के एक जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सेना के अधिकारी की रिपोर्ट पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। थाना पुलिस और सेना के अधिकारियों ने फांसी लगाने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी प्रशांत जोशी ने बताया कि छावनी में शंकरलाल नामक सेना के जवान ने फांसी लगा ली। वह बेलगाम कर्नाटक का निवासी था। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी अमरनाथ का बीती रात निधन हो गया। वे आगामी मार्च माह में ही सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनके निधन की खबर मिलने पर कलेक्ट्रेट कर्मचारी में शोक व्याप्त हो गया। अमरनाथ पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, उनको लकवे की शिकायत भी थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again